नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बहुत इस एकेडमी में। आज का डेट है 29th of May 2022 एंड डेली करंट अफेयर का सोर्सेज हमारा आसाम ट्रिब्यून और डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों लेट मी टेल यू दैट हाँ, डाउनलोडिंग लिंक जो रहेगा इस पीडीएफ का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। रिगार्डिंग एडमिशंस एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन टू दीज नंबर्स या फिर आप हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं, आसाम ट्रिब्यून से लिया गया है रिगार्डिंग कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट। नाउ ये है कौन सा प्रोजेक्ट, देखो इंडिया और इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करने के लिए ये प्रोजेक्ट है, पहली बात तो ये क्लियर हो जाओ। नाउ आप बोलेगा सर इंडिया का नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल कनेक्टेड है चिकन स्नेक के थ्रू। देखो अब क्या है ना दैट अगर आपको सच फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है जिसको कलकत्ता से आपको भेजना है एजवाल, ठीक है, तो आपको ऐसे करके घूम कर ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा। ऊपर से आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में कितना ज़्यादा यू नो टोपोग्राफिकल डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, तो ये सब फेस करके जाना पड़ता है, कितना टाइम लगेगा दिख रहा है आपको। बट वहीं पर अगर बांग्लादेश अगर हमें डायरेक्टली रूट प्रोवाइड कर दे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट है ना बांग्लादेश के साथ भी एक पर्टिकुलर लेवल तक का ही हमारा इंटीग्रेशन है, ठीक है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं दैट। अब देखो क्या है ना दैट ठीक है अगर आप बांग्लादेश के साथ भी इंटीग्रेट कर लो, मान लो दैट अभी की तो बांग्लादेश की सरकार बहुत अच्छी है, कल को कुछ पाकिस्तान फंड वाला बांग्लादेश की सरकार अगर आ गई तो क्या करोगे, है ना, वो लोग तो फिर प्रोजेक्ट को बंद कर देगी, फिर हमारा प्रॉब्लम होगा, फिर हम लोग को इधर अनडाउटेडली बांग्लादेश के थ्रू भी चीज़ें जाती है ना, बट हम लोगों को अपना बास्केट को डाइवर्सिफाई रखना है ना, समझ लो बात, तो इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं दैट ये वाला रूट अपनाएं जहां पर इंडिया से डायरेक्टली म्यांमार के पोर्ट के थ्रू, म्यांमार का कौन सा वो पोर्ट है, सितवे पोर्ट, ठीक है, सितवे पोर्ट के थ्रू अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स को हम लोग जिससे मिजोरम तक पहुंचा सके, है ना, तो इससे क्या होगा दैट हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी तो इनहांस हो रहा है, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट का जो इंटीग्रेशन है वह भी हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। चलो इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट वैसे तो इनिशिएट किया गया था 2008 में ही, राइट, और इसको ख़त्म भी हो जाना चाहिए था, बट अभी भी जो इसका फाइनल डेडलाइन है ना उससे भी एक्सटेंड कर गया और फाइनली इसको 2023 तक रिवाइज डेडलाइन किया गया था और कहा जा रहा था 2023 तक ये A to Z कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जो क्या एक ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करेगा इंडिया का लैंडलॉक्ड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को एंड साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स को, ठीक है, वन ऑफ द हार्डेस्ट प्रोजेक्ट अनडाउटेडली गाइस, क्यों, क्योंकि इस रीजन में टोपोग्राफी तो है ही बहुत ज़्यादा अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफीज, राइट, सितवे वाला मैं कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, वो भी अगर प्रोजेक्ट देख लीजिएगा ना वो जिस रीजन से गुजर रहा है उस रीजन का भी टोपोग्राफी उतना ज़्यादा कंड्यूसिव नहीं है, ठीक है, ऊपर से उस रीजन में इंसर्जेंसी की भी बहुत ज़्यादा केसेस है, ठीक है, तो ये दो बहुत बड़ा टफ सिचुएशन है जिसके जिसको साइड में रखते हुए ऑफकोर्स ये प्रोजेक्ट कैरी आउट किया जा रहा है। वैसे इस प्रोजेक्ट में वाटरवे कंपोनेंट भी इंक्लूड होने वाला है, रोड कंपोनेंट भी क्लियर होने वाला है, देख रहे हो वाटरवे कंपोनेंट जो है ज़्यादा किलोमीटर होगा एज कम्पेयर टू रोड वाला फैक्टर, और वो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख भी रहा है। अगर मैं आपको इसको थोड़ा इरेज कर दूँ, देखो यहाँ पे सितवे से पलटवार तक जो है ना ये आपका जाके 158 किलोमीटर तक आपका रिवर जेटी से अब जाएगा कोई प्रोडक्ट, मतलब कोई भी अगर सामान को इधर से इधर भेजना है ना आपको टेक्निकली, तो यहाँ से अल्टीमेटली रिवर जेटी के थ्रू यहाँ पर ले जाना है, फिर यहाँ से हाईवे पकड़ के अल्टीमेटली हमें नॉर्थ ईस्ट तक पहुँचाना है, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट दोस्तों, आसाम ट्रिब्यून में ही यह न्यूज़ भी दिया गया था दलित बंधु स्कीम, वैसे तो शायद आपने पिछले साल के भी इसके बारे में पढ़ा होगा, बट देखो पिछले साल में इसके बारे में बोला गया था, राइट, अभी प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जा रहा है तेलंगाना के गवर्नमेंट के द्वारा, उन्होंने क्योंकि लॉन्च कर दिया अल्टीमेटली यूनिक दलित बंधु स्कीम। नाउ दलित बंधु स्कीम ऑफकोर्स किसको किसके लिए होगा, दलित पीपल के लिए, SC ST के लिए, राइट, SCs के लिए बेसिकली, एंड इससे क्या होगा दैट वो लोग जो है अल्टीमेटली इम्पावर्ड होंगे। नाउ कैसे इम्पावर्ड होंगे भाई, इस स्कीम का क्या प्रोविजंस क्या क्या है, तो पहले तो बता देता हूँ एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, GS2 वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से आप इसको रिलेट कर सकते हो, क्योंकि दे आर कमिंग अंडर द वल्नरेबल कैटेगरीज, इसलिए तो इनको रिजर्वेशन मिला है ना, है ना। नाउ दलित बंधु जो है ये एक लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोग्राम है, किन गवर्नमेंट का, तेलंगाना गवर्नमेंट का, जो क्या इनविजाज करती है अ वेलफेयर स्कीम जिसके थ्रू दलित फैमिलीज इंपावर होंगी। कैसे इंपावर होंगी, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम है जिसके तहत 10 लाख रुपए पर फैमिली को दिया जाएगा और बोला जाएगा दैट आप कोई भी अपने मन का कोई भी बिजनेस अगर खोलना चाहते हो खोलो, राइट,
और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के थ्रू है। सो यहाँ पे क्या होगा, बेनिफिशरीज जो है उसको आइडेंटिटी कार्ड भी दिया जाएगा और आइडेंटिटी कार्ड में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप रहेगा जिसके तहत सरकार भी रियल टाइम मॉनिटर कर सकती है दैट ओवरऑल इस स्कीम का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है ना। और ध्यान दीजिएगा, तेलंगाना एकमात्र ऐसा स्टेट है, इट इज़ द ओनली स्टेट विच प्रोवाइड 10% कोटा फॉर गवर्नमेंट लाइसेंस। देखो गवर्नमेंट जो है ना डिफरेंट इंटरप्राइजेज में लाइसेंस प्रोवाइड करती है, ये आपको पता होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट, वो फर्टिलाइजर ले लीजिए, मेडिकल, लिकर शॉप, ठीक है, तो उसमें भी 10% जो है आपका जाकर रिजर्वेशन का प्रावधान है थ्रू तेलंगाना गवर्नमेंट। एंड तेलंगाना गवर्नमेंट इज द ओनली स्टेट हु इज डूइंग लाइक दिस, हु हैज टेकन द स्टेप्स लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट असम ट्रिब्यून में ये दिया गया था रिगार्डिंग पोलाश अ न्यू इनिशिएटिव। नाउ पोलाश किस सेक्टर में इनिशिएटिव ये कैरी आउट किया गया, हैंडलूम सेक्टर। देखो क्या है ना, असम का जो ट्रेडिशनल हैंडलूम सेक्टर है उसको प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है, और उसी के प्रोटेक्शन के लिए इंडियन वेलफेयर अलायंस सिल्क फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने फर्दर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया जिसका नाम है पोलाश इनिशिएटिव। नाउ अब सवाल यह होता है दैट ठीक है, इनिशिएटिव तो लॉन्च हो गया, हम समझ गए दैट ओके ठीक है, इसको असम का जो हैंडलूम सेक्टर है उसको प्रमोट किया जाएगा, उसको प्रिजर्व करने के लिए स्कीम लॉन्च किया गया। बट प्रॉब्लम क्या है, क्यों बोला जा रहा है दैट इस स्कीम से जो है हैंडलूम, मतलब असम का हैंडलूम सेक्टर वो गेम चेंजर ये स्कीम साबित हो सकता है, क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि देखो अभी जो है ना हैंडलूम सेक्टर के द्वारा बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं। वो चैलेंजेस क्या क्या है, एक तो सबसे पहला वो अनऑर्गेनाइज्ड है, कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन कुछ है ही नहीं कुकून्स के प्राइसेस के ऊपर, है ना। जैसे सिल्क अगर मैन्युफैक्चर होता है, एक स्टैंडर्डाइज अगर होना चाहिए दैट हाँ मिनिमम इतना प्राइस मिलना ही चाहिए कुकून्स का, वैसा कोई कुछ भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, ठीक है। देर इज शार्प वेरिएशन ऑफ प्राइसेस, प्लेस टू प्लेस अगर देखिएगा वेरी करती रहती है प्राइसेस, ठीक है। डिमांड वर्सेज सप्लाई अगर देख लीजिएगा वो भी क्राइसिस कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है, एंड ऑफकोर्स मार्केट लिंकेजेस भी प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स को कंसर्न किया जाएगा पोलाश इनिशिएटिव के थ्रू और मेक श्योर किया जाएगा दैट कैसे हम अगेन 100% अगर ऑर्गेनाइज ना भी हो सके तो एटलीस्ट वी विल मेक श्योर दैट कैसे ये प्राइसेस जो है कुकून्स के वो स्टैंडर्डाइज हो सके, जिससे जो फार्मर्स कुकून्स के प्रोडक्शंस के ऊपर ज़्यादा डायरेक्टली इन्वॉल्व है उनको एटलीस्ट एक यू नो लाइव एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज मिल सके, समझ रहे हो बात। तो ये सब के लिए पोलाश इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है असम में, ठीक है। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व राइट्स, नाउ क्यों न्यूज में है, क्योंकि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है ना दूसरी ऐसी स्टेट हो गई हमारे देश में जिसने रिकॉग्नाइज किया कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स को इनसाइड अ नेशनल पार्क। नाउ ये तो आप बोल रहे हो सर दूसरी स्टेट बनी है तो पहला कोई स्टेट होगा, तो वो कौन सा है, वो है उड़ीसा गवर्नमेंट जिसने 2016 को कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट वहाँ के फॉरेस्ट के जो कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं ना उनको दिया गया था, और वो कौन सा नेशनल पार्क में, सिमिलेबल नेशनल पार्क में, ठीक है। अभी दूसरा जो सरकार बन गई है छत्तीसगढ़ सरकार हो गई है, ठीक है ना। सवाल होता है दैट कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स होता क्या है, देखो क्या है ना दैट कोई भी सोचो एक जंगल है, ठीक है, अब जंगल वहाँ पे ट्रेडिशनली बहुत ज़्यादा लोग रहते होंगे, ठीक है, भले ही वहाँ पे जंगली जानवर भी है बट उसके साथ साथ जो है ना वहाँ के ट्रेडिशनल लोग भी वहाँ पर रहते होंगे पास्ट में, है ना। सो इट इज़ अ कॉमन फॉरेस्ट लैंड विच इज़ ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व फॉर सस्टेनेबल यूज बाई ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, वो कोई भी कम्युनिटी हो सकती है, ठीक है। अब जो कम्युनिटी माफ कीजिएगा जो भी कम्युनिटी यहाँ पे रह रही है ना उनको राइट्स प्रोवाइड किया जाता है दैट क्योंकि आप इस जंगल से, आपके पूर्वज इस जंगल में रह रहे हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा इस जंगल के साथ आपको पता है चीज़ें, है ना, आप लोग इसके जंगल के माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर ही आपकी पेट चलती है, ठीक है, तो आपको भी हम लोग कुछ राइट्स प्रोवाइड करते हैं, राइट मतलब सरकार का, केंद्र सरकार का कानून 100% इनके ऊपर नहीं लगेगा, इनको भी राइट्स होगा जिससे ये अपने पंचायत फिक्स करके, ग्राम सभा फिक्स करके अल्टीमेटली ये अपने भी कुछ कुछ कानून बना सके, ठीक है। कम्युनिटी यूजेज इट एज एक्सेस रिसोर्सेज अवेलेबल विद द ट्रेडिशनल, अच्छा चलो ये सब ठीक है, पैस्टोरल कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती है जो कि अपने कस्टमरी प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करती है, तो उस प्रैक्टिसेस को बेसिकली कंजर्व किया जाएगा। नाउ ये सवाल होता है दैट ये कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट क्या कोई कानून के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है? जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट, या फिर हम लोग इसको फॉरेस्ट राइट एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, उसके सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 में अगर देख लीजिएगा ये कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स के बारे में वर्णन जरूर किया गया है, जिसके थ्रू बोला गया है दैट इस कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट के थ्रू हम लोग मेक श्योर करेंगे दैट कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर जो वहाँ के लोकल लोग हैं ना
वो लोगों का कुछ ना कुछ राइट होगा. कैसे? जैसे वो उनको इतना पावर मिलेगा दैट वो वहाँ के रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. मतलब अगर कोई भी रिसोर्सेज को अगर काटना वाटना भी पड़े तो अगर वो लोग कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, बिकॉज दे नो द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस दैट क्या करने से ओवरऑल फॉरेस्ट कंजर्व रहेगा. ठीक है, बट हाँ एक लेवल के ऊपर तो ऑफकोर्स स्क्रूटनी होगी ही, बट हाँ बहुत हद तक लेकिन राइट दिया गया है. दीज राइट्स अलाउ द कम्युनिटी टू फॉर्मुलेट रूल्स. देख लो क्लियरली लिखा हुआ है, मतलब वहाँ पे जो कम्युनिटी है ना वो अपना रूल्स खुद बना सकती है फॉर द फॉरेस्ट यूज, है ना, बाय इटसेल्फ एंड अदर्स. मतलब दूसरा भी अगर बाहर में आ रहा है तो इनके इनके परमिशन के बिना नहीं होगा. ठीक है, देयर बाय डिस्चार्जिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर दिस फॉरेस्ट राइट एक्ट. एनीवेज चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं. द हिंदू में दोस्तों इसके बारे में वर्णन किया गया था रिगार्डिंग कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपको याद होगा शायद एक साल पहले भी यह न्यूज़ में था जब अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में लड़ाई चल रहा था और वो वॉर अजरबैजान ने जीत लिया था. क्यों? क्योंकि अजरबैजान को तुर्की का सपोर्ट मिला था, पाकिस्तान का भी सपोर्ट मिला था. क्यों? क्योंकि ये लोग जो मुस्लिम कंट्रीज़ है ना, सो दे आर सपोर्टिंग देयर यू नो ब्रदरहुड कंट्रीज़, राइट. सो इसीलिए अजरबैजान को शिकस्त खानी पड़ी थी. एनीवेज तब यह बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. नाउ अभी भी फिर से न्यूज़ इसमें इसलिए आ गया है क्योंकि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने 30th ईयर मार्क किया है. ठीक है, और इसीलिए इसका समिट को होस्ट किया जा रहा है इन मॉस्को रिसेंटली, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था, है ना. GS2 perspective में bilateral, regional या फिर global grouping, और ये global grouping है ना, जो क्या इंडिया के इंटरेस्ट को directly या फिर indirectly तो ज़रूर से यू नो टच कर रही है. ठीक है, नाउ यह है क्या? देखो यह एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है. मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट एक साथ आ गए हैं और ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बना दिया है जिसको 2002 में इफेक्ट में आया था. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ ट्रीटी जिसको हम लोग कहते हैं ताशकंद ट्रीटी. इसका अलग नाम बोला जाता है द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी 1992 एज वेल. ठीक है, नाउ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रशिया के मॉस्को में. ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है दैट ओवरऑल इस रीजन में पीस इंश्योर करना, इंटरनेशनल और रीजनल सिक्योरिटी को प्रमोट करना, है ना, और प्रोटेक्शन ऑन कलेक्टिव बेसिस ऑफ इंटरडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी ऑफ द मेंबर स्टेट, ये सब बेसिकली चीज़ें इंश्योर करना. अच्छा, कौन से देश है जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में है? तो वो देख लो, एक है रशिया, कजाकिस्तान, कर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अर्मेनिया, बेलारूस, जिसमें एक ही मात्र पावरफुल कंट्री है रशिया. ठीक है, इसीलिए मैंने बोला ना दैट अजरबैजान और अर्मेनिया की जब लड़ाई हुई ना तो रशिया ने बचाने नहीं है अर्मेनिया को. पता है क्यों? देखो कुछ भी अगर से फॉर एग्जांपल सीरिया में होता है तो सीरिया में बचाने आ जाता है, बट यहाँ पे नहीं आया, है ना, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे आर द पार्ट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. जियोपॉलिटिक्स समझ रहे हो? अगर जियोपॉलिटिक्स समझ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए दैट जियोपॉलिटिक्स में सिर्फ और सिर्फ अपना इंटरेस्ट काम देता है. कल को सोचो अगर रशिया इसको बचा भी लेती तो अभी जो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, क्या आर्मेनिया को कुछ भी सपोर्टिव पावर रहता? लाइक दे कैन नॉट गिव एनीथिंग टू रशिया एज सच, राइट. तो ये भी एक जियोपॉलिटिकल चीज़ है जिसको एनालाइज करना पड़ेगा आपको. एनीवेज यहाँ पे आपको क्लियरली दिख भी रहा है कौन कौन से कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है, कौन कौन से देश है जो कि नाटो के पार्ट है, जिसमें आप ये स्वीडन, फिनलैंड नहीं है, यूक्रेन नहीं है, बट यूक्रेन बनना चाह रहा था इसीलिए रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इतना बड़ा एक्शन लिया है. ठीक है, चलो ये सब चीज़ें दिमाग में रखना. एनीवेज नाउ सवाल होता है दैट व्हाट डज दिस मेंबरशिप इंटेल. अगर आपको आपके पास इसका मेंबरशिप है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है दैट आप दुनिया के कोई भी दूसरे मिलिट्री अलायंसेस में ज्वाइन नहीं कर सकते हो, जैसे नाटो, है ना. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंटली द मेंबरशिप प्रिज्यूम सर्टेन की सिक्योरिटी इशूज, द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ विच इज डिटरिंग मिलिट्री एग्रेशन बाई थर्ड कंट्रीज. जी हाँ, बट अजरबैजान और आर्मेनिया के केस में जो हुआ उससे तो लगता तो नहीं है ये पॉइंट वैलिड है एनीमोर, है ना. एनीवेज नेक्स्ट इज एग्रेशन अगेंस्ट वन सिग्नेचरी इज परसीव्ड एज एग्रेशन अगेंस्ट ऑल. नहीं, ये भी बिल्कुल वैलिड नहीं दिख रहा है, है ना. बट टेक्निकली इनके यू नो मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, है ना. इट हाउएवर रिमेन्स अनक्लियर वेदर दिस फीचर वर्क्स इन प्रैक्टिस और नॉट. एब्सोल्युटली. नेक्स्ट दोस्तों द हिंदू से लिया गया रिगार्डिंग लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में. नाउ 22nd लॉ कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑन इतना. हाउएवर बोला जा रहा है कोई प्रोग्रेस हमें ऐसा सच नहीं दिखाया
जब से अपॉइंटमेंट हुआ है. एनी वेज एग्जाम्पल, मतलब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, GS2 वेरियस स्टैट्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं. ये क्या है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसको स्टैब्लिश किया गया था बाई ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ऑरिजिनली इसको 1955 में फॉर्म किया गया था और कमीशन को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है हर 3 साल में. सो फार 277 रिपोर्ट्स हैव बीन सबमिटेड टू द गवर्नमेंट, है ना. और लास्ट जो लॉ कमीशन सेटअप किया गया था ना दोस्तों, है ना, अंडर जस्टिस BS चौहान, है ना, उन्होंने सबमिट किया था रिपोर्ट एंड वर्किंग पेपर्स ऑन की इशूज. जैसे वो कौन क्या थे, वो थे लोकसभा और स्टेट असेंबलीज का इलेक्शन साइमल्टेनियस करवाओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी वहाँ पे चीज़ें लिखी हुई थी. बात करते हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के कंपोजिशन के ऊपर. तो अनडाउटेडली देखो, एक फुल टाइम चेयरपर्सन तो होता ही है, बट कमीशन में जो है 4 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग मेंबर सेक्रेटरी मेंबर, ठीक है. लॉ और लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी जो होती है ना लॉ मिनिस्ट्री की, वो ऑटोमेटिकली इसकी एक्स ऑफिशियो मेंबर हो जाती है कमीशन की. इट विल ऑल्सो हैव नॉट मोर देन 5 पार्ट टाइम मेंबर्स. अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो हेड करती है इस कॉन्स्टिट्यूशन को, दैट इज लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को. रोल एंड फंक्शंस की अगर बात कर ले तो देखो, अगर वैसे देखोगे तो लॉ कमीशन का कभी भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई मुद्दे पे उनको वर्डिक्ट देने बोलती है तो उस चीज़ को एनालाइज करने का काम होता है लॉ कमीशन का. कोई अगर टेक्निकल, मतलब लाइक अगर लॉ के रिलेटेड अगर कुछ काम हुआ तो, या फिर ऐसा ही नहीं, लॉ कमीशन अगर चाहे ना खुद ब खुद सुओ मोटू कॉग्निजेंस भी कोई टॉपिक का ले सकती है और उस पर भी रिपोर्ट दे सकती है, ठीक है. वो देखती है लॉ, मतलब रिव्यू करती है एग्जिस्टिंग लॉज, है ना, और देखती है कहाँ कहाँ रिफॉर्म किया जा सके, क्या क्या नए लेजिस्लेशन कानून लाए जा सके जिससे रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट किया जा सके. इट शैल ऑल्सो अंडरटेक स्टडीज एंड रिसर्च फॉर ब्रिंगिंग रिफॉर्म्स इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम फॉर एलिमिनेटिंग द डिलेज इन द प्रोसीजर, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट लिटिगेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नेक्स्ट श्री नारायण गुरु जी के बारे में यहाँ पे न्यूज़ है जिसको आप GS1 इंडियन कल्चर से रिलेट कर सकते हैं. हिस्ट्री से तो आप बिल्कुल कर ही सकते हो क्योंकि इसके बारे में आपने अपने हिस्ट्री के बुक में भी पढ़ा ही होगा ज़रूर. कर्नाटक गवर्नमेंट क्यों न्यूज़ में थी, क्योंकि अभी क्लास यू नो सोशल साइंस के टेक्स्ट बुक है ना क्लास 10th का आपका कर्नाटक गवर्नमेंट ने, तो कर्नाटक गवर्नमेंट में उन्होंने नारायण गुरुजी के बारे में जो टेक्स्ट है उसको इंक्लूड नहीं किया है, एक्सक्लूड कर दिया है बेसिकली, राइट. तो इसीलिए बिल्कुल वहाँ की जनता भड़क गई है दैट ऐसा क्यों किया ना. क्यों भड़की है तो पहले इनके अगर पास्ट के बारे में जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक आप समझ नहीं पाओगे. तो है कौन श्री नारायण गुरुजी, देखो ये जो है ना पास्ट में दैट इज़ इनकी वैसे तो 1856 में केरला में इनका जन्म हुआ था, ठीक है. और पास्ट में ये एज अ कैटलिस्ट और लीडर उभरे थे अगेंस्ट द ऑप्रेसिव कास्ट सिस्टम. आपको पता था दैट पास्ट में जो है ना ब्राह्मण्स डिफरेंट अदर कास्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशंस करती थी, ठीक है. तो वो सब एक्सप्लॉयटेशंस के अगेंस्ट श्री नारायण गुरुजी ने अपना आवाज़ बुलंद किया था. दे बिलोंग टू एजावा कास्ट, है ना, एंड उन्होंने खुद ही डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था फ्रॉम द अपर कास्ट ऑफ सोसाइटी, है ना. इसीलिए उनका फिलॉसफी क्या था, उनका फिलॉसफी था सोशल इक्विटी होना चाहिए, एजुकेशन फॉर ऑल होना चाहिए, स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट होना चाहिए सबके पास. एंड ही गेव द फेमस स्लोगन वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल, दैट इज ओरू जाति ओरू माथम ओरू दैवम मनुष्यन, ठीक है. जस्ट याद रखिए ये, जस्ट शायद ये आपको याद नहीं रखना पड़े. देखो ये सब इसलिए डिस्कस किया जा रहा है ना क्योंकि प्रीलिम्स में अगर आपको डायरेक्टली इस टाइप से क्वेश्चंस पूछा जाए तो एटलीस्ट यू शुड बी प्रिपेयर्ड इनफ टू यू नो राइट योर आंसर्स. 1888 में नारायण गुरु जी ने पहला टेम्पल लॉर्ड शिवा को, मतलब लॉर्ड शिवा का पहला टेम्पल ऐसा खोला था विच वॉज ऑर्डिनेटेड बाई नॉन ब्राह्मण्स, मतलब नॉन ब्राह्मण्स उसको बेसिकली उसको वहाँ पर पूजन अर्चना करते थे, ठीक है. और इससे कहीं ना कहीं मतलब उनके जो स्टेप्स होते थे दैट हैज स्पार्क्ड ऑफ एंटी कास्ट रिवॉल्यूशन तब के समय, क्योंकि देखो तब जैसे क्या होता है ना दैट कोई भी चीज़ आपके साथ अगर होता हुआ आ रहा है ना तो यू विल फील लाइक दैट हाँ शायद वही सही है. जैसे डाउरी सिस्टम अगर चला हुआ होता हुआ आ रहा है ना तो पीपल विल फील लाइक दैट ओके शायद डाउरी सिस्टम इज द यू नो ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी, है ना. अगर सती चला हुआ आता तो लोगों को लगता शायद हाँ सती शायद सचमुच का चीज़ है, राइट. बट वही चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है दैट इनके स्टेप्स के थ्रू जो है एंटी कास्ट रिवॉल्यूशन एक फैल गया था. क्यों, क्योंकि इन्होंने अगेंस्ट मतलब वॉइस रेस किया था अगेंस्ट द अपर कास्ट ब्राह्मण डोमिनेशंस, क्योंकि तब के समय ब्राह्मण्स काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयट करते थे लोअर कास्ट के लोगों को, ठीक है. एंड
इन वन टेम्पल ही कंसेंट्रेटेड, मतलब उन्होंने एक एक क्या हुआ ना, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, चलो ये सब चीज़ें क्या पढ़ना है, एक टेम्पल है ठीक है, उन्होंने चारों तरफ शीशा लगा दिया। इसका मतलब पता है क्या था चारों तरफ शीशा लगाने का? उसका मतलब यही था दैट लोग अगर कहीं घुसे तो वो तो उनको वो तो भगवान खोजेंगे, बट एक्चुअली वो अपने आप को देखेंगे। इसका मतलब वो ये बोलना चाहता है दैट देखो सबके अंदर में जो है एक डिविनिटी है ठीक है, सब अपने आप को रिस्पेक्ट करो। देख रहे हो कितने उच्च विचार थे। 1903 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था SNDP, दैट इज श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, उनके फाउंडर और उनके प्रेसिडेंट थे। इनफैक्ट ही हैज सेट अप मोर देन 40 टेम्पल्स अक्रॉस द स्टेट, है ना, जिसके तहत लोअर कास्ट लोगों को जो है इतना हक मिला था दैट वो लोग आराम से टेम्पल्स को विजिट भी कर सकते हैं। नाउ इनका कॉन्ट्रीब्यूशन नेशनल मूवमेंट में सच क्या था? देखो अनडाउटेडली अगर देख लीजिएगा टेम्पल एंट्री मूवमेंट में तो ही वॉज द फ्रंट रनर ऑफ दैट, राइट, जिसके थ्रू सोशल डिस्क्रिमिनेशन को बहुत हद तक चोट भी पहुंचा था, राइट इन्होंने इम्पीटस कहीं ना कहीं प्रोवाइड किया था टू वाइकॉम एगिटेशन, आपको पता होना चाहिए, है ना। ही हैज कैप्चर्ड द एसेंस ऑफ इंडियननेस इन हिज पोएम विच हाईलाइटेड द यूनिटी। जी हाँ दोस्तों, इनके जो पोएम्स थे ना उनमें इन्होंने ऐसे चीज़ें लिखी थी जिसमें क्लियरली दिखता था दैट यस इन इंडिया दो बहुत डाइवर्सिटीज एग्जिस्ट कर रही थी, बट स्टिल ये जो कॉन्सेप्ट है ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो चीज़ इनके पोएम्स के थ्रू हमें क्लियरली झलकता था। फिलोसफी अगर देख लीजिएगा श्री नारायण गुरु जी का, तो श्री नारायण गुरु जी जो है ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोपोनेंट्स एंड रीवैल्यूएटर्स ऑफ अद्वैत वेदांता, जो क्या प्रिंसिपल है ऑफ नॉन डुअलिटी, जिसको ऑफकोर्स आदि शंकरा जी के द्वारा दिया गया था। 1930 में इन्होंने अद्वैत आश्रम को फाउंड किया था अलुआ में, ठीक है, एंड दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट इवेंट इन इज स्पिरिचुअल क्वेस्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस आश्रम में क्या किया जाता था ना, दिस आश्रम वॉज डेडिकेटेड टू अ ग्रेट प्रिंसिपल, और वो प्रिंसिपल क्या था, ऑल मेन आर इक्वल इन द आईज ऑफ गॉड, जिसको हम लोग संस्कृत में बोलते हैं ओम सहोदयम सर्वत्र, ठीक है। तो इन आइस आश्रम का फिलॉसफी ही ये था, है ना, तो इसीलिए इनको काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी किया जाता है। नेकचिफू टनल ये न्यूज में था, क्यों? क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है एक्सकावेशन वर्क इस नेकचिफू टनल में। नाउ ये है कहाँ? देखो यह है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इस रीजन में लाई करता है नेकचिफू टनल, ठीक है, याद रखना अरुणाचल प्रदेश में। किस रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश में? नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है या वेस्ट है? तो वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश के रीजन्स में, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं एमसीक्यूज में दोस्तों। कल कुछ आज हम लोगों ने एमसीक्यूज पूछा था, पहला एमसीक्यू था रिगार्डिंग मैच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, आपको पूछा गया था कौन सा करेक्टली मैच था, जिसमें पहला वाला एंड तीसरा वाला करेक्टली मैच था, है ना, यहाँ पे तो पर्पल होता, ठीक है, ब्लू होता, सॉरी येलो, ठीक है। सो एनीवेज ये दो रॉन्ग है, ठीक है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, सॉरी ये दो सही है, माफ करना, क्योंकि करेक्टली मैच पूछा गया। नेक्स्ट इज रिसेंटली द डिमांड ऑफ भिल प्रदेश इज इन राइज फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट या फिर साउथ? एब्सोल्युटली वेस्ट वॉज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये भिल प्रदेश जो मांगा जा रहा है वो चार स्टेट से मांगा जा रहा है, याद रखिए आप लोग, एक है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, चार, ठीक है। नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाइड्रोजन व्हेन प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग रिन्यूएबल इज नोन एज ग्रीन हाइड्रोजन, एब्सोल्युटली ट्रू, ग्रीन केमिकल लाइक अमोनिया एंड मिथेनॉल कैन डायरेक्टली बी यूटिलाइज्ड इन एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस लाइक फर्टिलाइजर्स, ना ना ना, सिर्फ पहला वाला विल बी द करेक्ट आंसर, इसलिए सी सी ए विल बी द करेक्ट सीक्वेंस, अगर देख लीजिएगा तो सी सी ए, सब ने आंसर सी सी ए दिया है, नरगिस ने भी सी सी ए, अच्छा इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है रिवोल्यूशंस के बारे में, पर्पल रिवोल्यूशन, लेवेंडर, येलो रिवोल्यूशन, ऑयल सीड, देखो यही तो हम लोगों ने दो दिया था ना जो कि गलत था, बट बाकी जो चीज़ें हैं वो भी आप लोग खुद पढ़ लीजिए, जैसे ब्लू रिवोल्यूशन फॉर फिश प्रोडक्शन, गोल्डन रिवोल्यूशन फॉर हनी, गोल्डन फाइवर फॉर जूट, सिल्वर रिवोल्यूशन एग, सिल्वर फाइवर किसको कहते हैं, कॉटन, जी हाँ, व्हाइट रिवोल्यूशन मिल्क, ग्रीन रिवोल्यूशन तो आपको पता ही है व्हीट राइस, है ना, पिंक रिवोल्यूशन मीट टोमेटो, ब्राउन रिवोल्यूशन लेदर, ब्लैक रिवोल्यूशन पेट्रोलियम, ग्रे रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर्स, वेरी गुड नरगिस, देखो ये होता है पढ़ना, आप लोग भी कोशिश कीजिए ऐसे। एंड गीतिका फर्स्ट टू व्यू, देखो गीतिका जी फर्स्ट टू व्यू होने से कुछ नहीं होगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे, यू नीड टू बी फर्स्ट टू राइट द कमेंट्स, है ना, दैट आंसर्स क्या है, दैट शुड बी द फर्स्ट, ऐसे तो आप लिखती हो आंसर, बट चलिए कोई बात नहीं। चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया हुआ, आपको पूछना है कौन सा करेक्ट है। श्री नारायण गुरु वॉज द प्रोपोनेंट ऑफ अद्वैत वेदांता और इन 1930 ही फाउंडेड
अद्वैता आश्रम एट अलुआ। आपको बताना कौन सा सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉट टू। दूसरा क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू रिकॉग्नाइज कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स ऑफ विलेज इनसाइड अ नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या फिर उड़ीसा। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। नेक्स्ट इज कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, चार देश का दिया हुआ है। पूछा गया दैट कौन सा इंक्लूड करता है, मतलब कौन से देश इंक्लूडेड है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। नीचे कमेंट सेक्शन में चूज कीजिए कौन सा सही है, वन ओनली, टू एंड थ्री ओनली, टू थ्री एंड फोर ओनली, वन टू एंड थ्री ओनली। चलिए आज का मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रिगार्डिंग सेक्स वर्क एज अ प्रोफेशन। कल हम लोगों ने इस आर्टिकल में के ऊपर डिस्कस भी किया था। आपको जस्ट बताना है दैट इस क्वेश्चन को पढ़ना है पहले, तो है ना, खुद से लिखो ये सब आंसर, बिल्कुल मत देखना खुद से, है ना। एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ जजमेंट, इस जजमेंट का इम्पैक्ट क्या होने वाला है, ठीक है, एंड क्या इससे एक्चुअली में सेक्स वर्कर्स को जो डिग्निटी मिलनी चाहिए वो क्या मिलेगी, है ना, क्या उनके खिलाफ जो अब्यूज़ एंड होता है वो क्या एंड होगा, उस चीज़ को प्रॉपरली एग्जामिन करना है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स वी आर प्रोवाइडिंग अ मॉडल आंसर, यू कैन गो थ्रू दिस मॉडल आंसर एज वेल, जिसमें लिखा क्या क्या इश्यूज अभी भी फेस किए जा रहे हैं, है ना। इसको थोड़ा हो सके तो एक्सप्लेन भी कर देना, वायलेंस, स्टिग्मा, है ना, ये सब चीज़ों को, और ऑफ कोर्स रेमेडियल मेजर्स क्या क्या लिए जा रहे हैं वैसे, है ना, कुछ कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया, बट एनीवेज आपको जो भी पॉइंट्स अच्छा लगा यू कैन एक्सट्रैक्ट द पॉइंट फ्रॉम हियर, है ना, एंड ऑफ कोर्स एट द एंड यू कैन राइट अ कंक्लूजन फॉर दिस, राइट। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।